बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स पार्ट सेकेंड इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1। जिस फंक्शन को हमको इंटीग्रेट करना वो है 3x² / x^6+1। इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले हम लैड कर लेंगे इसको i के कुल और फिर i की वैल्यू को फाइंड करेंगे। और इस फंक्शन को हम इस तरीके से रिराइट कर लेते हैं। एक्स की बात 6 है, ऐसे लिख सकते हैं x³² + 1 dx। अब यहाँ पर एक्स क्यूब को अगर हम कुछ नया वेरिएबल t मान लेते हैं तो हमें ये वैल्यू dt के इक्वल मिल जाएगी। यानी लेड कर लें x³ को t और जब इसको डिफ्रेंसीशन करेंगे पावर आगे जाएगी 3, और जितनी पावर होगी उसमें से एक कम ही हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा। और x का डिफ्रेंसीशन dx, t का dt, 3x² dx हमारे पास ये है, इसके यहाँ पर dt हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इंटीग्रल i की वैल्यू हो जाएगी dt अपान t। इसको x³ को t माना था तो t² + 1 हो गया। और ये फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं tan इनवर्स t का होता है, यानी हम लोग जानते हैं कि 1 अपान a² + x² = 1 अपान a, टेन इनवर्स एक्स अपान ए। लेकिन जब एक्स की वैल्यू, जब ए की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ पर 1 लिखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपान 1 हो जाएगा। तो 1 का इंटू करेंगे यही आ जाएगा टेन इनवर्स, और एक्स अपान 1 करेंगे तो ये एक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से 1 अपान 1 + x² का टेन इनवर्स एक्स है। इसी तरीके से 1 अपान 1 + t² का टेन इनवर्स टी है। और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड कर देंगे, यहाँ पर टी की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो टेन इनवर्स टी की वैल्यू x³ + कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सेकेंड यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, वह है 1 अपान √1 + 4x² dx। इसको स्टैंडर्ड फार्मूले जैसा बनाने के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, 1 अपान √1 + जैसे 4x को लिख सकते हैं 2x² dx। अब यहाँ पर जो 2x है इसको हम कुछ लेट कर लेते हैं फार्मूले जैसा बनाने के लिए, यानी स्टैंडर्ड फार्म में बदलने के लिए। यहाँ पर 2x को t मान लेते हैं और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। 2 कांस्टेंट में है, इनटू में है, बाहर हो जाएगा x का डिफ्रेंसिएशन dx, t का डिफ्रेंसिएशन dt। तो dx की वैल्यू निकालेंगे, 2 इनटू में उसे डिवाइड करेंगे, 1/2 dt हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पर जब पुट कर देंगे dx की और 2x यहाँ t, तो हमारा जो i चल रहा था i की वैल्यू हो जाएगी 1/2 dx की वैल्यू हम यहाँ पर रख रहे हैं 1/2 dt, और अपान में स्क्वायर रूट है 1 + 2x, यहाँ पर t रखना है, इसका स्क्वायर है वो कर दिया। 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे तो 1 अपान √, इसे 1 को हम 1 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं, +t² dx। और यहाँ पर जिस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे उस आइडेंटिटी को यहाँ पर लिख रहे हैं, तो 1 अपान √x² + a² यानी वेरिएबल स्क्वायर कांस्टेंट स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होती है log ऑफ मॉडुलस x + √x² + a² तो यहाँ पर a की जगह पर जो है वो 1 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी सॉल्व होने के बाद में 1/2। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो log ऑफ मॉडुलस x लिखेंगे पहले, यानी यहाँ पर x, यहाँ पर t है वेरिएबल, तो t लिखेंगे +√, फिर यही वाला ब्रेकेट आ जाएगा जो लिखा है, यानी 1² + t² + कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन, और यहाँ पर t की वैल्यू को पुट कर देंगे तो 1/2 log ऑफ t की वैल्यू 2x थी, तो यहाँ पर ये मॉडुलस है 2x और +√, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और x यहाँ पर जब 2x रखेंगे और उसका फिर उसके स्क्वायर भी करेंगे, मॉडुलस लगा हुआ है, ये मॉडुलस है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगले लास्ट स्टेप लिख देते हैं, 1/2 log ऑफ मॉडुलस 2x + √, 2x का स्क्वायर करेंगे 4x² हो जाएगा, तो 1 + 4x² + कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मॉडुलस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था और ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ जाते हैं, एक्सरसाइज 7.4 चल रही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड i = इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, वो है 1 अपान √2 - x² + 1। इसको हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो इस वैल्यू को हम कुछ मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं,
लेट किया हमने इसको, यानी टू माइनस एक्स को टी, तो उसको डिफरेंशिएशन करेंगे, वन टू जो कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स, टी का डिफरेंशिएशन डी टी, देयरफॉर डी एक्स की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे हम लोग तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का डी एक्स हो जाएगा, ये माइनस का डी टी हो जाएगा, यानी डी एक्स यहाँ पर माइनस डी टी हमें यहाँ पर पुट करना है, बाकी वैल्यू जो हमने मानी उसी के अकॉर्डिंग रखना है, यानी टू माइनस एक्स की जगह पर हमने टी माना है तो इसकी जगह पर तो हम टी रखेंगे, और स्क्वायर रूट चल रहा था हमारा, इसका स्क्वायर है ब्रैकेट का प्लस वन, और यहाँ पर ये डी एक्स की जगह पर माइनस का डी टी रखना है, माइनस इंटू में है कांस्टेंट है, इसको हम इसमें इंटीग्रेशन के साइन से बाहर दे देंगे, तो माइनस का हो जाएगा ये वन अपान ये टी स्क्वायर, और वन को हम वन का स्क्वायर कर सकते हैं ताकि स्टैंडर्ड फार्मूला जैसा नजर आए, फार्मूला अभी हम पिछले क्वेश्चन में अप्लाई कर चुके क्या है, डी एक्स अपान स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर यानी वेरिएबल का स्क्वायर और कांस्टेंट का स्क्वायर, तो वैल्यू होती है लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मॉडुलस, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस लॉग ऑफ मॉडुलस टी यानी जो वेरिएबल है टी यहाँ पर, और प्लस स्क्वायर रूट यही ब्रैकेट लिख देंगे जो लिखा हुआ है टी स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, यानी वन का स्क्वायर वन होता है तो वन लिख देंगे सिंपली, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन टी की वैल्यू यहाँ पर वापस कर देंगे, क्वेश्चन हमें एक्स की फार्म में दे रखा तो एक्स की फार्म में ही होना चाहिए, तो टी की वैल्यू यहाँ पर थी टू माइनस एक्स, वो यहाँ पर पुट कर दी है, स्क्वायर रूट टू माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसके होल ऑफ स्क्वायर को ओपन करके सॉल्व भी किया जा सकता है, इतना छोड़ दें तब भी ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर फोर, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना वो है 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, इसको आई के इक्वल मान लेते हैं, इसे लिखा जा सकता है, हम लिख सकते हैं इसको स्क्वायर रूट 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 5 को 25 को 5 का स्क्वायर, एक्स को एक्स स्क्वायर, तो 5 और एक्स का होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, और इसको एक वेरिएबल में बांधने के लिए इसको हम मान लेते हैं 5x को लेट कर लेते हैं टी के कुल, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ताकि dx की वैल्यू फाइंड कर सकें, तो 5 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन dx, t का डिफरेंशिएशन dt, तो यहाँ पर dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर 5 से डिवाइड लगा देंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे ट्रांसपोज होके अपान में पहुँचा, ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे अपने आई में, तो आई की वैल्यू हो जाएगी डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख दे 1/5 डी टी, और स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस 5x की जगह पर टी रखेंगे, इसका होल ऑफ स्क्वायर 1/5 कांस्टेंट है इसे बाहर ले लेंगे, और 1/ स्क्वायर रूट ये 3 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर हो गया डी टी, और इसका फार्मूला हम लोगों को याद होता है, इस फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, पहले इस फार्मूले को हम लिख देते हैं कि स्क्वायर रूट सॉरी 1/ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितने के इक्वल होती है, इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए साइन इनवर्स एक्स अपान ए के इक्वल होती है, प्लस कांस्टेंट एक्स ये है जिसका स्क्वायर हटा दो और वहाँ से हमें एक्स और ए मिल जाएगा, तो इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ये आई की वैल्यू चल रही थी 1/5 टाइम्स से चल रहा था 1/5 और 1/ ये हमें यहाँ फार्मूला अप्लाई कर लेना चाहिए था, तो फिर हमें यहाँ से हटा देना चाहिए, तो आई की वैल्यू थी 1/5, इस फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स की जगह पर देख रहे हैं जहाँ एक्स था वहाँ पर टी है तो टी रख दिया, टी अपान ए हो जाएगा, ए की जगह पर अपना ए की जगह पर 3 है तो टी अपान 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, लास्ट स्टेप में यहाँ पर हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा सवाल ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स की जगह पर हमें रखना है टी की जगह पर रखना है सॉरी 5x रखना है अपान 3, क्योंकि आंसर क्वेश्चन हमें एक्स की फार्म में दे रखा था तो हमें आंसर भी एक्स की फार्म में लिखना होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 जिसको क्वेश्चन नंबर 5 जिस फंक्शन का इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, वो है 3x अपान 1 + 2x⁴ है, इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, इसको हमने i के कुल मान लिया है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 को कांस्टेंट है इसको हम बाहर ले लेंगे, x बचेगा और 1 + 2 यहाँ पर x⁴ को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर कर सकते हैं डी एक्स, और इस एक्स स्क्वायर को हम टी मानने के लिए एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं एक नया वेरिएबल, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x मिलेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स, टी का डिफरेंशिएशन डी टी,
टू को डिवाइड कर देंगे तो हमें ये एक्स डी एक्स जो यहाँ पर है तो वो मिल जाएगा। एक्स डी एक्स की जगह आप हम रख देंगे 1/2 dt रख देंगे। तो ये सारी वैल्यू जो मानी थी वो आई में रख दें, जिस पूरी वैल्यू को इंटीग्रल को हमने आई मान लिया था, 3 हमने बाहर ले रखा था वो लिख दिया। एक्स डी एक्स यहाँ पर 1/2 dt और अपान में है 1+2 times t और इसका स्क्वायर करना है। अभी भी स्टैंडर्ड फार्मी फार्मूला नहीं बना है। अब 1/2 × में कांस्टेंट है इसे बाहर निकाल लेंगे, 3 में 1/2 का इंटू हो जाएगा। साथ ही साथ हम देखें स्टैंडर्ड फार्मूला बनने के लिए यहाँ पर टी स्क्वायर को कॉफिशेंट 1 होना चाहिए। तो इस कॉफिशेंट को 1 बनाने के लिए 2 को इसमें या तो हम √2 का होला भी स्क्वायर बन करके एक नया वेरिएबल उसको मान लें, या दूसरा मैथड है इसको 1 बनाने के लिए 2 को यहाँ से बाहर ले लें, कॉमन को बाहर ले लें। तो ये तो 3/2 यहाँ पर बन गया। इसमें से हम 2 को बाहर निकालेंगे, यानी 1/2 ने यहाँ से बाहर निकाल दिया तो यह 2 है नहीं तो अपान में चला जाएगा। ये 1/2 प्लस यहाँ से 2 है तो बाहर निकल गया ओनली टी स्क्वायर आ गया, ये जिसमें टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हमारा चल रहा था। ये तो इधर तो 3/4 बन गया, ये 3/4 हुआ है और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 को 1/√2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस इसको टी का स्क्वायर लिख देंगे। और यहाँ पर एक फार्मूला टेन इन बस वाला अप्लाई कर देंगे, यानी 1/ कॉन्स्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर हो तो इसका इंटीग्रल का फार्मूला हमें याद होता है 1/a टेन इन बस एक्स अपान ए, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। इसको यहाँ पर अप्लाई करना है, ए की जगह पर हमारा 1/√2 है और एक्स की यहाँ पर टी है तो इसको यहाँ पर अप्लाई करने पर 3/4 तो कॉन्स्टेंट इंटू में था वो हमने लिख लिया, और फिर इस पे ये फार्मूले को लगाएंगे तो 1/a मीन्स हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा और टेन इनवर्स एक्स अपान ए, एक्स की जगह पर तो हमारा टी है और ए की जगह पर 1/√2 है जो कि हमने पहले इधर बाहर लिखा हुआ था, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर टी की वैल्यू वापस कर देंगे और ये देख रहे हैं √2 एक ये अपान में दूसरा ये, तो इसका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 का अपान में 4 है, टेन इनवर्स और टी की वैल्यू पुट कर दें क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर मानी थी अब और ये √2 भी देख रहे हैं 1/2 में इसका ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे अगली स्टेप में, तो 3√2/4 टेन इनवर्स √2 का ऊपर जाके इंटू हो जाएगा और एक्स स्क्वायर 1/ में है तो डिवाइड करेंगे तो इतना ही आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कम्प्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 जिस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है वो है एक्स स्क्वायर 1 − x^6 और इसको मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, इसको i के को लेट कर लेंगे और इसको इस तरीके से दोबारा से लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर 1 − x^6 को मैं ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 3 का होल ऑफ स्क्वायर, इसलिए इस तरीके से मानते हैं कि इसको अगर t मानेंगे तो ये हमारा dt मिल जाना चाहिए, इसलिए 3 पावर अगर कर लेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर 2 पावर मिल जाएगी, इसलिए हमने एक्स क्यूब का बनाया है स्क्वायर। तो इसको एक्स क्यू को अब हम टी मानेंगे तो इसमें पावर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे जाती है, जितनी पावर होती है उसमें से एक कम हो जाता है यानी 2 हो जाएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स, टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी हो जाएगा। हमारे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो उसमें 3 का इंटू है, उसे राइट हैंड साइड में पहुँचाएंगे तो 1/3 dt हो जाएगा। तो हमारे पास देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर डी एक्स है इसके यहाँ पर, तो हमने ये बना लिया है 1/3 dt बना लिया है और इस x क्योंकि यहाँ t रख देंगे तो हमारा i की वैल्यू अब चेंज होके वहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, लास्ट में जो i निकाला था 1/3 dt और अपान में था 1 − x³ की जहाँ t कर दिया उसका स्क्वायर 1/3 × में है, कांस्टेंट है इसे हम बाहर ले लेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। 1 को लिखा जा सकता है, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और t का स्क्वायर है, इसे इसलिए ऐसा लिख दिया ताकि स्टैंडर्ड फार्मूले जैसा हमें दिखाई पड़ने लगेंगे। इसमें जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो ये है 1/ कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस एक्स वेरिएबल का स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है 1/2 log of मॉडुलस ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी i = 1/3। इस फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ए की जगह पर 1 है और एक्स की यहाँ पर टी है तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 एक जगह पर 1 log of a एक जगह पर 1 है और x यहाँ पर t है, इसमें ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं 1 − t हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 1 का 1 में इंटू होगा 1 आ गया, 2 3 और 2 का इंटू होगा 6 हो जाएगा, log of मॉडुलस t की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करना है, t अपनी तरफ से माना हुआ था x की वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, हमारा ये सवाल कम्प्लीट हो चुका है, मॉडुलस यहाँ पर कम्प्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 को हम यहाँ पर अब देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 जिस फंक्शन को इंटीग्रेट हमको करना है उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं x − 1/√x² − 1
और इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता, इसको i के इक्वल लेट कर लिया। और देखिए यहाँ पर जब एक पावर हो, वन पावर हो, और यहाँ पर स्क्वायर रूट हो या ना हो, उसमें टू पावर हो, तो हम हमेशा लेट कर लेंगे न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर हमारा ये है a इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में ध्यान रहे कि स्क्वायर रूट नहीं लगाना, चाहे वो हो या ना हो, प्लस बी इस तरीके से इसको लिख देंगे। और फिर इसको अगले स्टेप में एक डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स स्क्वायर का, तो डिफ्रेंशिएशन टू एक्स हो जाएगा, वन का जीरो हो जाएगा, बी ऐसे लिख देंगे एक्स माइनस वन, और इसे इक्वेशन नंबर वन डाल देंगे। और चाहे तो इसको हम इक्वेशन नंबर वन डाल दें, इसमें एक्स माइनस वन की वैल्यू ये वाली रखेंगे, लेकिन ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद इक्वेशन नंबर टू डाल दें, ए और बी की वैल्यू यहाँ पर निकाल के पुट करेंगे इक्वेशन नंबर टू में। लेकिन ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए इसी इक्वेशन को हमें आगे लेके चलना होगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ भी खैर नहीं है, फिर भी हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे कि टू ए एक्स, और इसमें तो ज़ीरो है छोड़ दीजिए, तो बी, और यहाँ पर जब कंपेयर करेंगे तो एक्स का जो कॉफिशेंट है इधर टू ए, यहाँ पर नहीं है कॉफिशेंट दिख रहा, तो वन होगा, तो टू ए की वैल्यू वन के इक्वल हो जाएगी। कॉन्स्टेंट टर्म प्लस का इधर वी है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म माइनस का वन है, तो वी की वैल्यू पता हो चुकी है और ए की वैल्यू भी पता हो चुकी है। इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर टू में रखेंगे। ये थोड़ी प्रॉब्लम सिंपल है, अगर ऐसी टफ प्रॉब्लम हो लेकिन न्यूमरेटर में लीनियर हो यानी एक पावर हो और डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक हो, दो पावर हो, तो उसको सॉल्व करने का तरीका भी यही रहेगा। तो इक्वेशन नंबर टू में इस वैल्यू को पुट करने पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस वन मिला, जिसमें राइट हैंड साइड में देखें कि a की वैल्यू है कैपिटल a, और इसमें फिर था 2x था, और फिर उसके बाद माइनस, फिर प्लस का साइन था, और b की वैल्यू जो थी आई हमारी माइनस वन के कुल हो गई। ये एक्स माइनस वन की ये वाली वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर वन में हम पुट करेंगे तो हमारा आई के बराबर चल रहा है, तो आई की वैल्यू हमको मिल गई है। एक्स माइनस वन की जगह पर ये रख देंगे वन बाई टू, टू एक्स इसी फार्म में रखेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो जो था वही आ जाएगा। और ये तो सिंपल है, हम रीडली इसको ऐसे ही भी डायरेक्ट करके लिख सकते थे, लेकिन अगर ना समझ में आए तो फिर हमें इस तरीके से हर एक प्रॉब्लम को करना है। अब यहाँ पर जहाँ पर प्लस या माइनस आ जाता है वहाँ से वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये अपान में ये कर देंगे, यानी वन बाई टू टू एक्स अपान में कर देंगे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, प्लस का साइन है तो लगा देंगे, और माइनस वन अपान में स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन कर लेंगे। तो अब इसको इंटीग्रेशन के साइन को दोनों पर अप्लाई कर देंगे, जब इस पर अप्लाई होगा वन बाई टू टू एक्स डी एक्स अपान में स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, इस वाले में तो जो डिनोमिनेटर है इतना टी मानने पर डी टी बन जाएगा, और ये स्टैंडर्ड फार्मूला बन जाएगा। माइनस वन यहाँ पर प्लस वाले साइन माइनस बदल जाएगा, तो वन अपान स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड फार्मूले जैसा बदल जाएगा। और यहाँ पर हम इसमें जो है स्क्वायर रूट के अंदर इस पूरे को एक्स स्क्वायर माइनस, अगर वन को टी मान लेते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी टू, एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स, टी का डी डी एक्स का डी एक्स हो जाएगा, वन का जीरो हो जाएगा, टी का डी टी हो जाएगा। हमारे पास टू एक्स डी एक्स है तो इसकी जगह पर तो हम डी टी रख देंगे, और आई के बराबर चल रहा है ये, तो आई की वैल्यू हो जाएगी वन बाई टू इंटू में कॉन्स्टेंट है, इसे हमने बाहर निकाली इंटीग्रेशन के साइन से, और 2x dx यहाँ पर ये dt रख दिया, अपान में स्क्वायर रूट t हो गया माइनस, इसको स्टैंडर्ड फार्मूला जैसा बताने के लिए हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट x स्क्वायर यानी वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, इस फार पर इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अगले स्टेप पे इसको फार्मूला लिख के इंटीग्रेट कर देंगे। फिलहाल अभी हमें ये करना है कि रूट हटाएंगे तो पावर वन बाई टू होगी, और उस वन बाई टू पावर को ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस के वन बाई टू हो जाएगी, और इसको टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर ये फार्मूला बता के यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। इस पर फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो होता है वन अपान स्क्वायर रूट वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉडल एस एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, ये मॉडल के अंदर होगा। तो इस फार्मूले का यहाँ पर हम यूज़ कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, एक्स की जगह पर एक्स है लेकिन ए की जगह पर वन है, तो ये वैल्यू हो जाएगी लॉग ऑफ मॉडल एस एक्स प्लस स्क्वायर रूट, यानी ये ब्रैकेट जो होता है वही आ जाता है यहाँ पर, तो इसलिए ये ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, वही ब्रैकेट रख देंगे, और यहाँ पर लास्ट में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं कि अब इंटीग्रेट कर रहे हैं इसमें, तो पावर आधी पावर जो है वो उसमें एक जुड़ जाएगा,
और जितनी पावर होगी इसमें एक जुड़ जाएगा और वही अपान में भी होता है। और माइनस इस टर्म में कुछ भी नहीं करना है, इसको बस नोट कर लीजिए, लॉग ऑफ हो, ये सॉल्व हो चुका है, एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर वन का स्क्वायर वन होता है ये लिख दिया बस, और मॉडुलस लगा दें प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जोड़ने की जरूरत नहीं, जो हम जोड़ चुके हैं एक बार, तो ये वन बाई टू इंटू और टी की पावर, ये एक वन में से वन बाई टू माइनस होगा तो वन बाई टू बचेगा प्लस का, डबल बी वन बाई टू माइनस लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन मॉडुलस प्लस का सी, ये टू डबल अपान में तो इस टू का ऊपर जाके इनटू होगा, तो ऊपर जाके इनटू कर दें। वन बाई टू पहले से बाहर चल रहा था, ये वन बाई टू ये पहले से यहाँ पर बाहर चल रहा था वन बाई टू, और इस टू का ऊपर जाके इनटू गया यानी टू अपान वन, और टी जो हमारा वन बाई टू ऐसे रूट में लिख दिए रूट टी, और बाकी जो दूसरा टर्म है माइनस का तो उसको ऐसे ही नोट कर लेना, कोई भी चेंज हमें यहाँ पर नहीं करना है, वन प्लस का सी। अब यहाँ पर टी की जो वैल्यू अपनी तरफ टू से टू तो कैंसिल हो गया और ये वन आ गया और टी रूट टी आ गया, रूट टी में टी की जो वैल्यू थी वो अपने अपनी तरफ से मानी थी, वापस कर दें एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन मॉडुलस प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये सवाल यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन भी कम्प्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन के एट पे जाएंगे, जो एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन नंबर एट है, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है वो है एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स की पावर सिक्स प्लस ए की पावर सिक्स, इसको में इंटीग्रेट एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, यानी इस तरीके से हम इसे यहाँ पर लेट करेंगे कि ऊपर हमें ये मिल जाए, तो इसको इस तरीके से पहले लिख दे एक्स स्क्वायर डी एक्स अपान एक्स की पावर सिक्स को लिखा जा सकता है एक्स क्यूब का होल अब स्क्वायर प्लस, इसको हम लिखेंगे लेकिन अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे जरूरत पड़ेगी तो ए क्यूब की पावर टू ऐसे लिख दें। और मेन ये है कि इस वेरिएबल को एक्स क्यूब को टी मानेंगे तो हमें डी एक्स ऊपर न्यूमरेटर में मिल जाएगा, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं कि एक्स क्यूब जो है टी के बराबर है, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का डी एक्स हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और यहाँ पर टी का डी टी हो जाएगा, तो हमारे पास थ्री नहीं है तो थ्री से डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू वन बाई थ्री डी टी हो जाएगी, तो इस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पर जो है हमारा वन बाई थ्री डी टी यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आई की वैल्यू हो जाएगी वन बाई थ्री डी टी, और उसके बाद हमारा यहाँ पर वन बाई थ्री डी टी अपान में जो था स्क्वायर रूट और टी एक्स क्यू था उसके यहाँ टी रख दिया होल अब स्क्वायर प्लस ए क्यू का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर इनटू में कांस्टेंट है इसको बाहर ले लेंगे वन बाई थ्री, तो वन अपान यहाँ पर देख रहे हैं कि वेरिएबल टी का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, इस और इसमें स्टैंडर्ड जो फार्मूला है उस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करते हुए हम इस वैल्यू को फाइंड करेंगे, उस जो फार्मूला यूज़ होगा उस फार्मूले को हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो इस फार्मूले को वैल्यू है स्क्वायर रूट यहाँ वेरिएबल का स्क्वायर प्लस सॉरी वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, जो इसकी वैल्यू होती है लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मॉडुलस, तो इस फार्मूले को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो आई की वैल्यू मिल गई हमको वन बाई थ्री स्क्वायर रूट वन अप सॉरी इंटीग्रेशन वन अपन, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम फार्मूला जब यूज़ करेंगे तो आंसर आएगा डायरेक्ट, इतना लिखना नहीं चाहिए हमको, तो i इज इक्वल टू वन बाई थ्री था वो लिख दिया, अब बस देख रहे हैं कि जहाँ पर x है वहाँ पर t है, जहाँ पर a है वहाँ पर a क्यूब है, बस उसी के अकॉर्डिंग हमें इस फार्मूले को अप्लाई कर देना चाहिए, यानी ये आएगा लॉग ऑफ मॉडुलस x प्लस x की जगह पर t आ चुका है, और स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस ए की जगह पर ए क्यूब, और लेकिन इसका स्क्वायर करना है मॉडुलस प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, टी की वैल्यू पुट कर दें थोड़ा सॉल्व कर लें आंसर आ जाएगा हमारा, टी की जो वैल्यू थी वो एक्स क्यूब है प्लस का स्क्वायर रूट, टी की वैल्यू एक्स क्यूब है इसका स्क्वायर प्लस, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, ए की पावर सिक्स हो जाएगा मॉडुलस प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वन बाई थ्री लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन हो गया सिक्स पावर हो जाएगी प्लस ए की पावर सिक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये सवाल हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर हम तो एक्चुअली इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर नाइन देखेंगे अगले पेज पर देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर नाइन है इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है, उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स अपान स्क्वायर रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस फोर, ये इस इंटीग्रेट को इस फंक्शन को हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो आई के इक्वल हमने मान लिया इसको, और इसमें हम देखते हैं कि इसको टी माने के ऊपर डी टी हमको न्यूमरेटर में मिल जाए, तो हम देख रहे हैं हम लोग जानते हैं कि
टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन से एक स्क्वायर होता है, इसलिए टेन एक्स को टी मान लिया। टेन का डिफ्रेंसिएशन से एक स्क्वायर एक्स होता है, एक्स का डी एक्स होता है, टी का डी टी होता है। तो पूरा यहाँ पर से एक स्क्वायर एक्स डी एक्स यहाँ पर डी टी रख देंगे, तो आई की वैल्यू हमारी बहुत रिड्यूस होकर आ जाएगी, स्टैंडर्ड फार्मूला बना देगी और डी टी हो गया। और ये टेन के यहाँ पर टी रखना था स्क्वायर स्क्वायर, और इस फोर को हम लिख सकते हैं टू का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अभी फार्मूला जो हमने अप्लाई किया था फिर दोबारा से वही फार्मूला यहाँ पर आ चुका है। तो इस फार्मूले को दोबारा से हम लिख दे रहे हैं, बनापान स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फार्मूला होता है, यहाँ पर डी एक्स होगा लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मॉडुलस प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ दिया जाएगा। फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ए की जगह पर हमारा टू है बस, और एक्स यहाँ पर टी है, तो ये वैल्यू हो जाएगी लॉग ऑफ एक्स यहाँ पर टी है प्लस एन रूट एक्स टी स्क्वायर प्लस का ए की जगह पर टू है, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन टी की वैल्यू जो अपनी तरफ से हमने मानी थी उसको वापस कर देंगे। टी की जगह टेन एक्स है उसका, टी के यहाँ टेन एक्स है और यहाँ पर टेन एक्स हो लेकिन इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, और टू का स्क्वायर फोर होता है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पर ये कम्प्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर। अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर टेन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर टेन है, जिस फंक्शन को हमको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है वो है वन अपान स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस का टू। इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, इसको हमने i के कुल मान लिया है। तो ये टोटल जो वैल्यू है देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक है डिनोमिनेटर में, जब क्वाड्रेटिक हो और ऊपर कॉन्स्टेंट हो कोई, तो उस केस में हम इसको होल ऑफ स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो होल ऑफ स्क्वायर बनाने के लिए इसको इस तरीके से लिख देंगे, वन अपान स्क्वायर रूट, सबसे पहले चेक करते हैं कि एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट वन होना चाहिए, यानी हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर है यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो इसका कोएफिशिएंट वन होता है। फिर अगली स्टेप में हम देखते हैं एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, तो एक्स का कोएफिशिएंट टू है, तो इसका हाफ करते हैं, टू का हाफ वन होता है, तो वन का स्क्वायर कर देंगे यानी ऐड कर देंगे, ऐड किया है तो हम सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, उससे पहले इस टर्म को लिख दे रहे हैं टू को, और बाद में हम ये वन था तो वन का स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर करेंगे तो वन होता है, यानी ये हमने ऐड किया है यहाँ पर, ये सब्सट्रैक्ट किया, तो हिसाब किताब बराबर कैंसिल होकर जितना था वही आ जाएगा। तो देखिए ये हुआ कि शुरू के ये तीन टर्म है ये होल ऑफ स्क्वायर बना देंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर, सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर और दोनों क्वांटिटी का इनटू का ट्वाइस है ये, तो ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर से इस की वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर टू में से वन माइनस हो जाएगा तो वन बचेगा, और इसको हम वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, और चाहे तो डायरेक्ट या फिर हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर एक्स प्लस वन को एक नया वेरिएबल टी मान लेते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स का डी एक्स हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन वन का जीरो हो जाएगा, टी का डी टी हो जाएगा, तो डी एक्स यहाँ पर डी टी हो जाएगा। तो इस यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा इंटीग्रल जो आई चल रहा था उसकी वैल्यू हो जाएगी, डी एक्स यहाँ पर डी टी रखना है, तो अपान में ये हमने एक्स प्लस वन को टी माना था, टी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो ऊपर ही ये फार्मूला लिखा हुआ है कि वन अपान वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट का स्क्वायर हो तो लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मॉडुलस, यह इतना हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट हमारा इस फार्मूले में। तो एक्स की जगह पर टी आ रहा है और ए की जगह पर हमारा वन आ रहा है, तो इस फार्मूले को लगा रहे हैं लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स के यहाँ टी है टी प्लस एंड रूट इसी ब्रैकेट को लिखना होता है, यानी टी स्क्वायर प्लस वन के स्क्वायर को प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, टी की जो वैल्यू है वो वापस कर देंगे, इनको दे देंगे डाल देंगे भाई, टी की टी माना था हमने एक्स प्लस वन को, तो एक्स प्लस वन यहाँ पर रख दें, इधर एक्स प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर इतना भी छोड़ सकते हैं, वन का स्क्वायर वन लिख दिया, मॉडुलस प्लस सी, या फिर इसको सॉल्व कर दें। इस बार हम इसको सॉल्व कर देते हैं लॉग एक्स प्लस वन और प्लस इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस का वन और ये वाला वन लास्ट में हो जाएगा, मॉडुलस प्लस सी, ये वन वन टू हो जाएंगे, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस का टू मॉडुलस प्लस सी, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इलेवन भी इसी जैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा और मॉडिफाई हो गया है, यानी थोड़ा एडवांस हो गया है। 9x स्क्वायर 6x प्लस का 5 इसको करना है, तो देखने की फिर अगेन ये कांस्टेंट है और ये क्वाड्रेटिक है, दो पावर का है, सेकंड डिग्री का एक पॉलिनोमियल है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम जो होता है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को वन बनाते हैं, तो उसके लिए जो भी इसके साथ में एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है उसको हम बाहर ले लेते हैं, यानी वन अपान नाइन करके नाइन को यहाँ से बाहर ले लिया, बाहर अगर इसको निकाल दिया ब्रेकेट से तो
तो यहाँ पर ओनली एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर नहीं था हम बाहर ले रहे हैं कॉमन तो अपान में आ जाएगा ये, और इसी तरीके से फाइव के भी अपान में नाइन आ जाएगा क्योंकि नाइन को हमने यहाँ से बाहर यानी नाइन से इनटू डिवाइड कर दिया, ऐसा समझ लीजिए, इसे कहते हैं कॉमन ले लिया हमने वन अपान यहाँ इस ब्रैकेट से नाइन, तो लिख लेगा वन अपान नाइन क्योंकि वो अपान में था इसलिए। और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, थ्री के टेबल से कैंसिल करेंगे, टू थ्री या सिक्स और थ्री थ्री या नाइन, तो ये इतना आगे सॉल्व हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई थ्री एक्स प्लस का फाइव बाई नाइन डी एक्स हो गया। अब यहाँ पर होल ऑफ स्क्वायर बनाने का हम लोग जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम ये बताया था कि एक्स स्क्वायर को कॉफिशेंट वन बनाने, वो बन चुका है। फिर अगले स्टेप में हम एक्स को कॉफिशेंट देखते हैं, एक्स का कॉफिशेंट टू बाई थ्री है, टू बाई थ्री है तो उसका हाफ करेंगे, टू बाई थ्री का हाफ करना है तो डिनोमिनेटर में टू से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसका हाफ हो गया वन बाई थ्री हो गया, इसका हाफ हो गया वन बाई थ्री, तो वन बाई थ्री का स्क्वायर ऐड करेंगे और ऐड किया है तो सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, फाइव बाई नाइन हमारे पास पहले से था और यहाँ पर हमने वन बाई थ्री ऐड किया तो सब्सट्रैक्ट भी करेंगे उतना ही, तो इसका स्क्वायर करेंगे, वन का स्क्वायर वन होता है, थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, और इसको ये तीनों टर्म्स मिल के होल ऑफ स्क्वायर बना देंगे, एक्स का स्क्वायर है ये बना वन थ्री का स्क्वायर है और ये दोनों का इंटू का ट्वाइस है तो ये तो बना देगा ए प्लस बी को होल ऑफ स्क्वायर के फार्मूले के इसके अकॉर्डिंग ये एक्स और वन प्लस वन बाई थ्री का होल ऑफ स्क्वायर बना देगा। और यहाँ पर ये नाइन सेम है डिनोमिनेटर में तो इसलिए डायरेक्ट फाइव में से बन जाएगा तो फोर आ जाएगा, तो फोर अपान नाइन हो जाएगा, और इस फोर अपान नाइन को ये टू का स्क्वायर होता है, ये नाइन थ्री का स्क्वायर होता है तो टू अपान थ्री को होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। और तब तक हम इसको टी मान लेते हैं, एक नया वेरिएबल एक्स प्लस वन बाई थ्री को टी मानेंगे तो इसमें एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स हो जाएगा और कॉन्स्टेंट का डिफरेंस डी टी और टी का डी टी हो जाएगा, और इसलिए हम डी एक्स की जगह पर यहाँ पर डी टी रख देंगे। तो हमारा इंटीग्रल अगली स्टेप में हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कितना हो जाएगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी आई इज इक्वल टू वन अपान नाइन हमारा कॉन्स्टेंट पहले से था, इंटीग्रेशन डी एक्स यहाँ पर डी टी रखना था हमें, वन अपान में चल रहा था ये और इस ब्रैकेट था उसका नहीं है, इसको हमने टी माना था स्क्वायर स्क्वायर और प्लस फोर को टू और नाइन को थ्री का होल ऑफ स्क्वायर करके लिख देंगे। और यहाँ पर हमारा ये फार्मूला बन चुका है, यानी स्क्वायर ये फार्मूला बन गया है यहाँ पर, यानी वेरिएबल का स्क्वायर हो कॉन्स्टेंट का स्क्वायर हो तो क्या होता है वन अपान ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए, इस वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे, अगर प्लस का साइन होता है तो टेन इनवर्स का फार्मूला बन जाता है। वन बाई नाइन लिखने के बाद ए की जगह पर टू बाई थ्री है तो वन अपान ए, ए की जगह पर टू बाई थ्री लिख देंगे, फिर टेन इनवर्स होता है एक्स अपान ए, एक्स की यहाँ पर हमारा टी है, ए की जगह पर टू बाई थ्री है, टू बाई थ्री लिख दिया प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये थ्री डबल अपान में इसका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो थ्री बाई टू हो जाएगा, टेन इनवर्स यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, थ्री का ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, अपान में टू है। और अगले स्टेप में हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे, थ्री से नाइन कैंसिल हो जाएगा थ्री टाइम्स तो वन अपान सिक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स थ्री बाई टू और टी की जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देंगे, टी अपनी तरफ से माना हुआ है और टी की जो वैल्यू है वो एक्स प्लस वन बाई थ्री है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, चाहे तो इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दें और इतना चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं, तो वन बाई सिक्स टेन इनवर्स अगर हम इसमें थ्री को अंदर ले जाएंगे, वन बाई टू को बाहर ही रखते हुए थ्री को, तो ये थ्री एक्स प्लस यहाँ थ्री थ्री कैंसिल होकर वन आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट, या टू को भी अंदर अगर ले जाएंगे तो वन बाई सिक्स, कहीं पर भी छोड़ सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को। ऊपर हमारा जैसे इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, टी की वैल्यू पुट कर दी, आप कहीं पर क्वेश्चन छोड़ दीजिए, थ्री बाई टू एक्स प्लस वन बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है। आगे के क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, और इससे पहले की एक्सरसाइजेस के लिए हमारे वीडियो और देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।